आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज हम मिलेंगे डॉक्टर सारंग व्यवहारे जी से। ये शहर के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। औरंगाबाद के सिंधी कॉलोनी में सारे सुविधाओं से लैस औरंगाबाद आर्थराइटिस क्लिनिक के वो सर्वे सर्वा है। दोस्तों, ज्वाइंट पेन ये 100 में से 15 लोगों में पाई जाने वाली एक सामान्य बीमारी है। हमेशा देखा गया है कि कोई भी ज्वाइंट पेन हो तो हम उसे नजरअंदाज करते हैं या फिर अपनी मर्जी से पेन किलर गोली लेते हैं। कुछ दिनों तक आराम मिलता है पर फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है। इस बार हम फिर से वही गलती करते हैं और वही गोली फिर से शुरू कर देते हैं। आपको पता है इस गोली के कितने दुष्परिणाम हैं? ये गोलियां शरीर के और हिस्सों को भी खराब करती है। क्या है ज्वाइंट पेन, क्या होता है सांधेवाद और आमवाद, कितने प्रकार है सांधेवाद के, इस भाग में यही जानेंगे डॉक्टर सारंग व्यवहारे जी से। आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है सर। आज दिन ब दिन सांधेवाद के प्रमाण ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा दर्द है, ये सांधेवाद है या अर्थराइटिस जो भी है, तो लेकिन लोगों को ट्रीट करने में बहुत तकलीफ हो रही है और काफ़ी लोग पीड़ित है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए सर, सांधेवाद के कितने प्रकार होते हैं, ये क्यों होता है और इसे कैसा प्रिकॉशन लेना चाहिए? हमारा स्पेशलाइज रूमेटोलॉजी का क्लिनिक है जिसको हम सांधेवाद क्लिनिक भी बोलते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है अपने इसमें, क्योंकि आज ये कंडीशन है कि ऑलमोस्ट 15% लोगों में, मतलब 100 में से 15 लोगों में कहीं ना कहीं जॉइंट पेन होता है या कोई ना कोई आर्थराइटिस रिलेटेड या जॉइंट पेन रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है। आज अगर सोचें हम तो 2 या 3 मेन टाइप के आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, एक तो रहता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जिसको स्वेलिंग बोलते हैं हम लोग, और दूसरा रहता है नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं या डिजेनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप के, जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस अगर सोच रहे हम तो मोर देन 100 टाइप के आर्थराइटिस अपने पास अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने को बताए हुए हैं। तो जिसमें से जैसे मोस्ट कॉमन जो है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं या जिसको हम आमवाद बोलते हैं मराठी में, ठीक है। फिर दूसरा हो गया एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसको स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथी भी बोलते हैं हम लोग। तीसरा हो गया सोरियाटिक आर्थराइटिस या सोरियासिस रिलेटेड संधिवात। चौथा हो गया इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। पांचवा हो गया बैचेट सिंड्रोम्स। ऐसे ऑलमोस्ट 8 से 10 टाइप के ये आर्थराइटिस है। सेकंड टाइप जो थोड़ा अनकॉमन है जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उसमें भी 10 से 15 टाइप के आते हैं जिसको हम SLE बोलते हैं, सिस्टेमिक लुपस आर्थ्रोसिस। सेकंड टाइप जो है उसमें वो है डर्मेटोमायोसाइटिस। फोर्थ टाइप जो है उसमें ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हैं, सॉग्रेन सिंड्रोम्स है, फिर स्क्लेरोडर्मा है, कनेक्ट वास्कुलाइटिस है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स। वास्कुलाइटिस के अंदर भी हम 10 से 15 टाइप के वास्कुलाइटिस यानी संधिवात के टाइप रहते हैं। अभी ज़रूरी ये बात है कि कोई भी ज्वाइंट या कोई भी एक सांधा दुखने के बाद हम वो कौन से टाइप का है और जल्दी पकड़ में आना चाहिए। जैसा एक कोई जॉइंट हो रहा है और अपन उसको निगलेक्ट कर रहे हैं या अपन सोच रहे नहीं हो जाएगा, अगर ये सोच रहे हैं तो वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आगे जाके वो एक जॉइंट से मल्टीपल जॉइंट में पहुंच जाता है, डिफरेंट जॉइंट पकड़ लेता है और हर एक जॉइंट ख़राब करना चालू कर देता है। इसमें अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट लेते हैं, हम जल्दी पकड़ में आते हैं, डायग्नोसिस प्रॉपर करते हैं और प्रॉपर डोज देते हैं, अगर अर्ली स्टेज में कोई भी आर्थराइटिस या अर्ली स्टेज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर हमने पकड़ में आता है अपने, तो वो अपना कम हो जाता है या क्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, हाथ टेढ़े होना, जैसे हाथ पूरे टेढ़े हो जाते हैं, ये सब डिफॉर्मिटी के चांसेस ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं। नॉर्मल लाइफ आदमी कंटिन्यूएशन में रख सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी जॉइंट पेन हो तो आप पहले उसको इग्नोर मत करिए, अपने डॉक्टर को दिखाइए या रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, प्रॉपर डायग्नोसिस करिए और फिर आगे देखिए कि क्या होता है, और फिर उसके बाद में जो टाइप का आपका डायग्नोसिस होगा या जो टाइप का आपका आर्थराइटिस होगा, फिर वो हिसाब से अपन गाइडलाइंस हर एक के दिए हुए कि ये करना है। सर, जैसा भी आर्थराइटिस के पेशेंट मेडिसिन काफ़ी दिल से खा लेते हैं, पेन किलर खाते हैं, स्टेरॉइड खाते हैं, इससे उनको क्या बॉडी पे असर हो सकता है?
स्टीरॉयड और पेन किलर से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। स्टीरॉयड और पेन किलर अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खाते हैं तो दैट इज दीज आर द वंडर ड्रग्स, मगर इट हैज़ टू बी स्टॉप विद इन से 1 month और 2 months। मगर जो लोग अनकंट्रोल खाते हैं उनको स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू टो तक सब प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। जैसा स्टीरॉयड से हम सोचते हैं कि अपना शुगर बढ़ जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है, किडनी पे सूजन आ जाती है, लीवर पे सूजन आ जाती है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल चेंजेस हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस स्टीरॉयड के कारण होते हैं। अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है। एनसेड जो है जिसको हम पेन किलर बोलते हैं, तो पेन किलर से भी किडनी से लेकर लीवर तक हर एक प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो अनकंट्रोल अगर कुछ ले रहे हैं अपन या खुद के मन से ही ले रहे हैं तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं, और डोज इम्प्रॉपर जाता है उससे भी और ज़्यादा प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। सेकंड थिंग, हम लोग जो डोज देते हैं वो कैलकुलेटेड डोज में देते हैं, मिनिमम डोज में देते हैं और टैपरिंग डोज में देते हैं। समझो आज जिसको जितना रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको नीचे नीचे करके हमारा टारगेट रहता है 1 से 2 month में ये बंद हो जाए। और हम डिसीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स जिसको हम डीमार्ट बोलते हैं, डीमार्ट्स पे हम रखते हैं। अगर डीमार्ट से भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर बायोलॉजिक्स के भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो वो बायोलॉजिक्स के ऊपर भी वेल कंट्रोल हो जाता है। ठीक है सर, ये सांधेवाद की ट्रीटमेंट होती है मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कुछ सर्जरीज करना पड़ती है? अगर इनिशियल स्टेज में डायग्नोसिस हो जाता है, जैसा फर्स्ट स्टेज में कुछ अपने हमारे पास आते हैं तो दे आर वेल कंट्रोल्ड ऑन मेडिसिन। ठीक है, अगर लास्ट स्टेज में आते हैं या फिर चलने में डिफ़िकल्टी है, जॉइंट डिफॉर्मिटी हो गया है, ख़राब हो गया है, तो वो टाइम पे हमें सर्जरी पे जाना पड़ता है। सर्जरी भी बहुत कम टाइप की सर्जरी है जिसमें हम ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जैसे नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, फिंगर जो डिफॉर्म हो जाते हैं उसमें स्ट्रेटनिंग करते हैं, ऐसे कुछ सर्जरीज में फ़ायदा होता है, बाकी सर्जरीज में भी फ़ायदा होता नहीं है। जो एक बार जॉइंट्स ख़राब हो गया या जो एक बार डिफॉर्मिटी आ गई आफ्टर संधिवात, तो वो मेडिसिन से ठीक नहीं होती। तो डिफॉर्मिटी इज़ परमानेंट एंड लाइफ लॉन्ग, इसलिए हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप कंट्रोल रखेंगे उतना जल्दी आप ये डिफॉर्मिटी नहीं आएंगे। सर, जैसा बताया कि आर्थराइटिस के पेशेंट जो है तो ये कुछ अनुवंशिक का प्रकार होता है क्या? इसमें अनुवंशिक परसेंटेज कुछ रहते हैं क्या? अगर अनुवंशिक नहीं है तो इसको मेंटेन कैसा करना चाहिए? ये डेफिनेटली अनुवंशिक है। हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट है जो, जैसा मम्मी है उनका लड़का है, मम्मी है लड़की है, या दो भाई बहन है, ऐसा बहुत सारे लोग हमारे पास रेगुलरली आते रहते, तो ये डेफिनेटली अनुवंशिक है। गाइडलाइंस में दिया है कि 5-10% लोगों में या 5-10% में ये अपने पास आपको आने के चांसेस है। जैसा बाकी मम्मी या डैडी किसी को है तो आपको 5-10% चांस है कि आपको वो आर्थराइटिस आ सकता है। तो अनुवंशिक के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं कि नहीं आना है। सेकंड थिंग, बाकी जो है जिसको इडियोपैथिक या ऑटो इम्यून बोलते हैं कि अपनी इम्यूनिटी अपने बॉडी में खुद अपने अगेंस्ट काम करती है, तो वो प्रिवेंट करने के लिए हमें बैलेंस डाइट रखना ज़रूरी रहता है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी रहता है, और बाकी सब जो चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते, जैसा कोई अल्कोहल लेना है या कोई ड्रिंक लेता है या फिर सिगरेट है, तंबाकू है, ये सब चीज़ें बंद किए तो ये सब आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर, फिजियोथेरेपी के मतलब ये आर्थराइटिस के लिए कोई फिजियोथेरेपी का रोल होता है कि इसमें अगर ट्रीटमेंट एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर किया तो आपका मेडिसिन और फिजियोथेरेपी ऐसा वो बॉडी मतलब मेंटेन कर सकते हैं? 100% रोल है फिजियोथेरेपी। मेडिसिन से स्वेलिंग कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, डिफॉर्मिटी नहीं आती है, मगर जॉइंट्स मोबिलिटी, जैसा हम जॉइंट्स मोबिलिटी बोलते हैं कि ये सब हिलना चाहिए, ये सब हिलना चाहिए, तो ये जॉइंट मोबिलिटी के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। तो फिजियोथेरेपिस्ट एंड रूमेटोलॉजिस्ट ये दोनों मिलके अगर एक साथ काम करे तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। सर, अभी हमने देखा कि सांधेवाद के दिन से दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और आपके पास काफ़ी पेशेंट का फ्लो बढ़ गया, पूरे मराठवाड़े से पेशेंट आ रहे हैं, इसमें ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू पेशेंट को देते हो जिससे रिजल्ट मिलता है और लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए अपन क्या कर सकते? हम एक तो डायग्नोसिस प्रॉपर करते हैं कि कौन सा टाइप का आर्थराइटिस है या कौन से टाइप का संधिवात है, वो संधिवात के हिसाब से उनको प्रॉपर डिसीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स, हम डीमार्ट्स बोलते हैं, डिसीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स
पेन किलर नहीं, स्टीरॉयड नहीं, डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं हम लोग, ये ड्रग्स हम चालू करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि ये जो बीमारी है ये एक तो कंट्रोल में आ जाती है या किसी किसी में ये ठीक हो जाती है। सब लोगों में ठीक होगी ऐसा नहीं है, मगर सब लोगों में कंट्रोल में तो ज़रूर आती है। तो वो अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाते हैं। सर जैसा अभी काफ़ी अच्छा हमें मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को दिया है सर, जैसा बताया कि सांधेवात तज्ञ और अस्थि रोग तज्ञ, ये लोगों में अभी सांधेवात के बारे में अवेयरनेस नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कहीं जनरल डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते हैं, स्टेरॉइड खा लेते हैं, पेन किलर खाते हैं और इसमें उनको दर्द कम कर सकते हैं, लेकिन डिफॉर्मिटी बढ़ते जाती है। तो ऐसे पेशेंट को एज अ सांधेवात तज्ञ क्या सजेशन देना चाहें? हम ये सजेशन देना चाहेंगे कि जैसे भी आपको लगता है कि कोई भी जॉइंट पेन हो रहा है तो खुद के मन से कोई भी दवाई नहीं खाए, कोई भी मेडिकल से या कोई अनऑथराइज चीज़ जैसा जैसा कोई पूड़ी दे रहा है, कुछ खुली पाउडर दे रहे हैं, खुली टैबलेट दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाए। उसमें स्टेरॉइड हो सकता है, उसमें और कुछ मिलावट हो सकता है, ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। आपके गांव में जो भी नज़दीक में डॉक्टर है पहले उनको दिखाइए, उनसे अगर ठीक नहीं होता है तो फिर वो आगे आपको रेफ़र करेंगे रूमेटोलॉजिस्ट के पास, तो उनके हिसाब से आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आ सकते हैं। कि आपको जो एक्सेसिबल डॉक्टर है उनको ही आपने दिखाना है, उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, और अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं हम नेक्स्ट टाइम जाएँ आगे जाके दिखाइए, तो आप बिल्कुल आगे जाके दिखाइए। और इसके सबके इलाज अवेलेबल्स है, सब पे मेडिसिन अवेलेबल है, मगर आपको प्रॉपर आके दिखाना पड़ेगा। अनकंट्रोल या छुट्टी मेडिसिन या फिर कोई पाउडर ले रहे हैं खुद के मन से, एक गोली से अच्छा लगता है तो वही गोली कंटिन्यू कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। दर्शकों, डॉक्टर सारंग व्यवहारे सर ने हमें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है। सावधान रहिए, पेन किलर ना खाइए, सावधान रहिए, पेन किलर ना खाइए, स्टेरॉइड ना खाइए, स्पेशली सांधेवात तज्ञ के पास ही जाकर अपना इलाज कराइए। इसकी वजह ये है कि हमें काफ़ी बड़ा डिसीज से सामना करना पड़ता है। अगर अपन पेन किलर दिल से खाते हैं तो अभी सांधेवात है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। औरंगाबाद में जो सिंधी कॉलोनी में डॉक्टर सारंग व्यवहारे सर का क्लिनिक है, यहाँ पे भी आके आप बता सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी जो डॉक्टर है तज्ञ, हमारा मकसद ये है कि तज्ञ डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मात्रा मालूम रहता है कितने मात्रा में उनको मेडिसिन दिया जाता है। धन्यवाद।